हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। तो जो नेट वोट्स निकल कर आया, जो नेट कितना निकला? जीरो निकला। चलिए इस क्वेश्चन की स्टोरी टेलिंग करते हैं। आपने जब इसके सेंटर पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा तो उस चार्ज पर लगने वाली फोर्स जीरो थी। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 में क्या है? 4 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। आपको स्क्वायर शेप दिखा हुआ है, इसमें 4 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड है। QA 2 माइक्रो कूलम हो गया, फिर इसका QB यानी -5 माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है। QC यानी 2 माइक्रो कूलम हो गया, और एक आपके पास है QD यानी -5 माइक्रो कूलम हो गया। तो आपको चार चार्जेस दिए हुए हैं, 2 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम एंड -5 माइक्रो कूलम, जो कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, ठीक है। ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, जो ये स्क्वायर है उसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर, यानी A से लेके B तक का डिस्टेंस 10, B से लेके C तक का डिस्टेंस 10, यानी पूरा स्क्वायर। और हम जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ओके। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी जब हम इस स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखेंगे तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? सेंटर यानी कि यहाँ पर O पॉइंट पर हो गया, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना चार्ज रख रहे हैं? 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख रहे हैं, तो पता करना है कि इस 1 माइक्रो कूलम के चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है भाई। तो कैलकुलेट करते हैं। अब इससे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ये मान लेते हैं, जैसे ए है, इसको मैं मान ले रहा हूँ Q1 चार्ज, कोई दिक्कत, ठीक है। बी को मान लेता हूँ Q2 चार्ज, ठीक है मेरे भाई। सी को मान लेता हूँ Q3 चार्ज एंड डी को मान लेता हूँ मैं Q4 चार्ज, कोई प्रॉब्लम तुम्हें? ओके, मान सकता हूँ मैं। अब जो चार्ज हमने सेंटर रखा है 1 माइक्रो कूलम, इसको मान लेता हूँ मैं क्यू चार्ज, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको पता है कोई भी स्क्वायर हो, स्क्वायर की डायगोनल क्या करती है? बाइसेक्ट करती है दूसरे को, यानी डायगोनल्स जो होती है इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट करती है, यानी अगर पूरी डायगोनल 10 है तो 5-5 में बाइसेक्ट करेगी और इक्वल भी होती है। तो क्या मैं ये डिस्टेंस ही मान सकता हूँ? डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? ये भी एक्स, मैंने ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स, क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई डायगोनल स्क्वायर क्या करती है? बाइसेक्ट करती है दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? डायगोनल स्क्वायर की जो होती है वो दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो मैंने सारी साइड्स को जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है OA, उसे एक्स मान लिया, OB को एक्स मान लिया, OD को एक्स मान लिया, OC को एक्स मान लिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम फोर्स निकालते हैं 1 बाई 1। तो जो यहाँ पर A पॉइंट पर यानी A कॉर्नर पर जो चार्ज लगा हुआ है, 2 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा गया, उसके अंदर फोर्स निकालता हूँ, उसको मैंने माना FA। क्या माना मैंने? FA। तो FA निकालते हैं, कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है FA कितना निकलेगा मेरा? कूलम्स लॉ क्या कहता था? 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर Q1 क्या है? ये मैंने A पर रखी हुई चार्ज को Q1 माना है, तो मैं यहाँ पर Q1 लिखूंगा, ठीक है। और दूसरा चार्ज क्या है मेरा? Q, क्योंकि यानी किस किस के बीच में लगा रहे हैं हम? A पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है Q1 वो, और जो सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है Q2, तो Q1 Q/x2, कोई दिक्कत? इसे इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ मैं। FA निकल आया, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी ये डायरेक्शन निकलेगी FA वाली, वो किधर निकलेगी? अब आपको पता है फोर्स जो लगेगी, A पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। A पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और जो यहाँ पर सेंटर पर चार्ज है वो भी कैसा है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी आपकी फोर्स A की वजह से इस तरफ होगी, यहाँ तक कोई डाउट? यानी OC की तरफ होगी। तो यहाँ मैं लिख दूँ डायरेक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ टूवर्ड्स OC। इधर होगी OC टुवर्ड्स OC। यहां तक कोई डाउट? आपको पता चल गया सेंटर पर कितनी फोर्स लग रही है, किसकी वजह से? चार्ज A की वजह से। किस डायरेक्शन लग रही है वो भी क्लियर हो गया, कितनी लग रही है वो भी क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब मैं निकालता हूं फोर्स इस C वाले चार्ज की वजह से, यानी C पर जो चार्ज रखा गया है 2 माइक्रो कूलम प्लस का, इसकी वजह से कितनी फोर्स लगेगी? कहां पर? O पर, ठीक है। तो इसे मैं मान लेता हूं FC। क्या मान लेता हूँ? FC निकालते हैं। FC के लिए सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, दो चार्ज हैं, 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0, दोनों पर चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो Q3 वो जो C है वहाँ पर चार्ज कितना है? Q3। तो Q3 और ये हो गया आपका Q/R², यानी कि x², क्योंकि O से लेके C तक का डिस्टेंस तो x² है। इक्वेशन 2। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? टूवर्ड्स OA। सेम कंडीशन, क्योंकि भाई वो पॉजिटिव चार्ज है जो सी पर रखा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी ये दोनों भी क्या हो गया? दोनों पर जो चार्ज है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया? टुवर्ड्स OA। क्या हो गया? टुवर्ड्स OA। यहाँ तक कोई डाउट मेरे भाई? अब ध्यान से इन दोनों फोर्स के नेचर के बारे में देखना,
कि क्या ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हाँ कि ना। देखो 1/4 epsilon यहाँ भी है, 1/4 epsilon यहाँ भी है। जो Q1 चार्ज है वो कितना है 2 microcoulomb का, और जो Q3 चार्ज है वो भी कितना है 2 microcoulomb का, यानी Q1 और Q3 दोनों सेम है। जो आपके सेंटर में चार्ज रखा हुआ है Q वो भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा FA है और FC दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों का फोर्स जो मिलके वो जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना भाई। एक कह रहा है कि सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक कह रहा है कि सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल अमाउंट के लग रहे हैं तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी भाई फोर्स ए ने जो ए पर रखा हुआ चार्ज है उसके फोर्स ने सी पर रखे हुए चार्ज के फोर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, जो कि जीरो हो गया। तो ये दोनों अलग हो गए। सेम सिचुएशन हम बी वाले के साथ करेंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से। अब देखो बी पे क्या होगा, अब मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, एफ बी निकाल रहा हूँ, यानी कि फोर्स ड्यू टू बी। तो एफ बी क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला 1/4 epsilon naught जो चार्ज है, चार्ज कितना रखा हुआ है यहाँ पे, चार्ज देख लो यहाँ पे -5 microcoulomb यानी Q2 मैंने माना था। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Q2 और जो मेरा चार्ज है सेंड ऑफ क्यू है और डिस्टेंस तो मेरा x² है ही, ये मैंने थर्ड मान लिया। ये फोर्स निकाली मैंने किसकी वजह से, बी की वजह से। अब देखो डायरेक्शन देख लेता हूँ, तो इस बी की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा किधर होगा मेरे भाई, ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एंड इस तरफ होगा। इस बार जो डायरेक्शन है वो ओ बी की ही तरफ है, कहाँ पर है मेरे भाई, टुवर्ड्स ओ बी। तो लिख देता हूँ यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो किधर है आपका, टुवर्ड्स ओ बी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, टुवर्ड्स ओ बी। अब मैं फिर से वही निकालता हूँ, फोर्स निकालता हूँ किस किस के बीच में, मैं फोर्स निकालता हूँ डी की वजह से। तो एफ डी निकालूंगा, तो जब मैं एफ डी निकालूंगा तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, 1/4 epsilon naught क्यू, यहाँ पे मैंने क्या माना है इसको, डी वाले को Q4 माना है, ठीक है। तो Q4 Q/x² कोई डाउट मेरे भाई। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज देखना, क्या जो ये चार्ज Q3 है, Q2 है और Q4 है, वो दोनों सेम चार्ज है, सेम अमाउंट के चार्ज है। देखो यहाँ भी -5 microcoulomb यहाँ भी -5 microcoulomb यानी कि सेम अमाउंट का चार्ज है, ठीक है। यानी यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो Q2 है वो Q4 के इक्वल है। भाई जो Q2 है आपका, जो Q2 है वो किसके इक्वल है, Q4 के इक्वल है, क्योंकि दोनों पर चार्ज कितना है, -5 microcoulomb। अब इसके डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, डी वाले की फोर्स की वजह से, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इस बार भी सिचुएशन वही आ गई, 1 microcoulomb के चार्ज को जो पॉइंट बी पर रखा हुआ चार्ज है वो कह रहा है मेरी तरफ आ, जो डी पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज है वो कह रहा है मेरी तरफ आ। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में इक्वल फोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बी कह रहा है मेरे पास आ, डी कह रहा है मेरे पास आ, तो क्या होगा, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी यहाँ से कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि जो ये दोनों फोर्सेस हैं आपके, यानी एफ बी और एफ डी, ये भी क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, यानी ये भी जीरो। तो जो नेट फोर्स निकल कर आया, जो नेट फोर्स निकल कर आया कहाँ पर मेरे भाई, सेंटर पर, नेट फोर्स एट सेंटर कितना निकल कर आया, जो कि किस पर लग रहा है, क्यू चार्ज पर, वो निकल कर आया जीरो। क्या निकल गया, जीरो। बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, जीरो फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 microcoulomb का 2 microcoulomb के चार्ज ने क्या किया, उसको रिपेल किया। तो एक कह रहा था उस तरफ जाओ, एक कह रहा उस तरफ जाओ, कैंसिल आउट, जीरो। जब इधर वाले चार्जेस को हमने देखा तो यहाँ पर -5 microcoulomb थे, यहाँ पर -5 microcoulomb थे, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे अटैक किया, तब भी कैंसिल आउट, जीरो। तो नेट चार्ज जो सेंटर पर निकला वो कितना निकला, जीरो निकला। चलिए इस क्वेश्चन की स्टोरी टेलिंग करते हैं। आपके पास एक स्क्वायर शेप कार्डबोर्ड है, आपने जब उसके सेंटर पर 1 microcoulomb का चार्ज रखा तो उस चार्ज पर लगने वाली फोर्स जीरो थी, जबकि उसके चारों तरफ तो चार्जेस हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्क्वायर शेप कार्डबोर्ड है उसके कॉर्नर पर जो चार्जेस रखे हुए हैं उनकी वजह से जो सेंटर फोर्स लगाई गई वो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन में लगाई गई, जिसकी वजह से जो ये दो चार्जेस कॉर्नर में है उनकी वजह से जो फोर्स का इफेक्ट था वो कैंसिल आउट हो गया, और जो इस तरफ अपोजिट चार्जेस रखे थे जो कि सेम मैग्नीट्यूड के थे, सेम नेचर के थे, उन्होंने भी सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की, जिसकी वजह से उन दोनों का फोर्स भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस वजह से नेट फोर्स है 1 microcoulomb के चार्ज पर सेंटर पर वो जीरो आ गया। कॉन्सेप्ट का फील आया, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।